नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार। आप सभी का मिशन अखंड भारत के इकलौते शो डंके की चोट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा सनातन धर्म में रहने वाले ब्राह्मण उच्च जाति को देखना नहीं चाहते थे, उनसे घृणा करते थे। इसमें कितनी सच्चाई आज इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि आप ये कहना भूल जाएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर सनातन धर्म में रहने वाले लोग क्षत्रिय ब्राह्मण से, सभी क्षत्रिय सभी ब्राह्मण से नफरत करते थे। क्योंकि आज आपके सामने से चार सबूत लेकर आए, इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर बल्कि सभी क्षत्रिय सभी ब्राह्मण से नफरत नहीं करते थे, बल्कि उनमें रहने वाले कुछ ऐसे लोग थे जो बाबा साहब लोग जैसे लोगों से नफरत करते थे, दलितों से नफरत करते थे, उनके खिलाफ थे। बल्कि यह कहना कि बाबा साहब अम्बेडकर सभी क्षत्रिय सभी ब्राह्मणों के खिलाफ थे, ये सरासर गलत है। और मैं गलत कैसे, मैं भी आपके सामने साबित करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो भी कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो पहला शादी था वो रामाबाई से हुआ था 1906 में, जब बाबा साहब अम्बेडकर 15 साल की उम्र के थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब की जो पहली पत्नी थी रामाबाई, उनका तबीयत खराब होने के कारण उनकी देहांत हो गया। उनके बाद वो करीब काफ़ी उम्र के बाद, काफ़ी सालों के बाद उनका तबीयत खराब हो जाता, करीब 1947-48 के आसपास जब देश की आज़ादी का वक्त था, उस वक्त बाबा साहब अम्बेडकर तबीयत खराब होने के कारण उसे एक डॉक्टर चाहिए था। और मैं आपको बता दूं कि जब हॉस्पिटल गए थे तो उनका इलाज एक ब्राह्मण लड़की कर रही थी जिसका नाम था सविता। वो पुणे से बिलोंग करती थी और पुणे से बिलोंग करने के कारण वो हमेशा मुंबई आती जाती रहती थी, और वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे। उनका तबीयत खराब हो गया था, उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी कई सारी बीमारियाँ से जूझ रहे थे। उस वक्त उनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसका नाम रहता है सविता, और उनका इलाज करती है। इलाज करते करते एक साल डेढ़ साल बीत जाता है, कहीं ना कहीं एक जो होता है ना रिश्ते में करीबी बढ़ना, वो बढ़ गया था। और बढ़ने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने शादी का प्रस्ताव रखते हैं सविता के साथ, और सविता कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट कर लेती है और शादी इनसे कर लेती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक्सपोज होने वाली बात यह है कि जो लोग, जितने सारे इतिहासकार हैं जो ये बताते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों से नफरत करते थे, यहाँ तो एक्सपोज हो गए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर खुद एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि वो कभी भी ब्राह्मण और क्षत्रिय से नफरत नहीं करते, कभी भी वो सनातन धर्म से नफरत नहीं करते, बल्कि उनमें रहने वाले कुछ लोग हैं जो जातिवाद के नाम पर, देश के नाम पर, अपने समाज के नाम पर, अपने ब्राह्मण के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते, उनके खिलाफ थे। लेकिन अब जब बात यहाँ पे हो रही है कि कुछ लोगों का, तो ये कुछ लोग हर धर्म में हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातन हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, फारसी हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म के आड़ में धंधा करने के काम करते हैं, धर्म के आड़ में आके दलालीगिरी करने का काम करते हैं। और इसी में कुछ ऐसे क्षत्रिय, कुछ ब्राह्मण थे, चंद भर लोग, अगर 100 ब्राह्मण 100 क्षत्रिय देश में रहते थे तो उसमें 5-10 ऐसे थे जो इस तरह का काम करते थे। लेकिन जितने सारे इतिहासकार जो बाबा साहेब के नाम पर किताब लिखे, वो सारे लोग ये नहीं बताएं कि हमारे देश में कुछ ब्राह्मण कुछ क्षत्रिय को बाबा साहब अम्बेडकर नफरत करते थे, उनके विचारों से नफरत करते थे। बल्कि हर जितने सारे इतिहासकार है उसने ये लिखा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्षत्रिय ब्राह्मणों से नफरत करते थे, मतलब इसमें सब आ गए। ये मैंने आपको एक्सपोज किया पहला बात कि जो लड़की का नाम था सविता, वो एक ब्राह्मण परिवार से थी। उनका पूरा कुंडली आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, मैंने गूगल से निकाला है। बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय से नफरत नहीं करते थे, ये मैं नहीं बल्कि एक STSC दलित से संबंध रखने वाली लड़का ने बताया, जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था, उसका भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, फेसबुक पे मुझे बता रहा था, मैंने वो भी आपको दिखा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं कि अगर चल एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे थे, उनसे कोई ब्राह्मण लड़की ने शादी कर लिया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, उनको जात पात जो है वो कहीं ना मिट चुका। मैंने आपको बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर किस परिवार में शादी किए थे, दूसरी शादी और किससे किए थे और किस हालात में किए थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की चार बहनें किससे शादी की थी, अरे शादी कब हुई थी। यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करने वाली बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर से चारों बहनों बड़ी थी, मतलब 1906 से पहले सबका विवाह हो चुका था, मतलब आज से 150 साल 100 साल पहले आप ये कह सकते हैं। उस वक्त ऐसा कहा जाता था कि सभी ब्राह्मण क्षत्रिय दलितों का शोषण करते थे, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है मैं अभी आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। पहले चारों बहनों का नाम बताते हैं आपको, चारों बहनों का नाम सुनने के बाद उनकी शादी कहाँ हुई थी, किस परिवार में हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों चारों बहनों का नाम था मंजुलाबाई, रामाबाई, तुलसीबाई और गंगाबाई। ये चार बहनों का नाम है जो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं बताता हूँ इनकी शादी किस परिवार में और कहाँ हुई थी। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि पहले मैं गंगाबाई की बात करता हूँ कि गंगाबाई की शादी किस में, किस परिवार में हुआ था। दोस्तों मैं बता दूँ कि गंगाबाई का शादी
एक लोखंडे परिवार में हुआ था। ये जो परिवार है ना, ये मराठा लोखंडे परिवार है, ये एक ब्राह्मण परिवार है। ये मराठा में एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। इनका नाम बदल के बाद में गंगाबाई का नाम बदल के गंगाबाई लोखंडे कर दिया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी बहन के बारे में, जिसका नाम था रमाबाई। रमाबाई जब शादी की थी तो मालवंकर समुदाय से हुआ था। इन जाति के लोग मराठी क्षत्रिय समाज से होते हैं। विवाह होने के बाद इनका नाम रमाबाई मालवंकर हो गया था। तीसरी बहन के बारे में बता सकता हूँ कि तीसरी बहन मंजुलाबाई का शादी पंदिरकर परिवार में हुआ था, या मराठों का ब्राह्मण समाज से है। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर मंजुलाबाई पंदिरकर हो गया। चौथी बहन का नाम तुलसीबाई था, इनका नाम बदलकर बाद में तुलसीबाई धर्म कातेकर हो गया। ये जो कातेकर परिवार है ये मराठों में ब्राह्मण समाज से आते हैं। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, सारा का सारा बहन की शादी, सारे के सारे बहन की शादी एक ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और ये कब हुआ था? जब बाबा साहब अम्बेडकर बड़े भी नहीं हुए थे, जब वो छोटे होंगे या फिर 15 साल से कम उम्र के वक्त। अब ये समझ सकते हैं, जब बाबा साहब ये समाज में नहीं आए थे, समाज के लोगों को बच्चे से जानते नहीं थे, उससे पहले चारों बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई भी अन्याय नहीं हुआ, कोई भी घृणा से उसको कोई भी नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब आम्बेडकर इसे उठाते, समाज में इस आवाज़ को उठाते कि देखिए मेरे चार बहनों का शादी ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में हुआ और उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर कहीं भी ये चीज़ें को नहीं बताया गया। इससे पता चलता है कि हमारे समाज में रहने वाले सभी क्षत्रिय, सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर खुद एक ब्राह्मण लड़की से शादी करते हैं, उसकी चारों बहनों का शादी एक ब्राह्मण क्षत्रिय परिवार में होता है। चलो भाई, एक गलती से हो गया होगा, दूसरा हो गया होगा, तीसरा और चौथा भी हो गया। अगर ऐसा होता तो खुद उनकी बहनें एक दलित में शादी करती, नहीं किया। उस समय भी इंटर कास्ट शादी होता था, ये इससे पता चलता है कि एसटी एससी भी एक ब्राह्मण क्षत्रिय लड़की से शादी कर सकती है। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उनके जो भीमराव अम्बेडकर हैं उनके माता पिता बहुत गरीब थे। ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे पोस्ट पे थे जो उनका शादी हो गया उनका इज्जत करते होंगे, नहीं भाई, ये कहना गलत होगा आपको। जो लोग ये सोचते हैं कि ये सभी ब्राह्मण सभी क्षत्रिय शोषण करते थे एसटी एससी करने, गलत है। ऐसा करने वाले चंद भर लोग थे, सब नहीं थे, आप सभी को उसके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। और बाबा साहब आम्बेडकर भी यही कहते थे कि हम कोई ब्राह्मण क्षत्रिय से नफरत नहीं करते हैं, उसमें रहने वाले चंद भर लोग से नफरत करते हैं जो जाति के धोस में आके समाज में रहने वाले लोगों को दबाने का काम करते हैं। हम सनातन धर्म से नफरत करते नहीं करते हैं, सनातन धर्म में रहने वाले कुछ लोगों से नफरत करते हैं जो उसमें आके दंगे फसाद करते हैं, उससे नफरत करते हैं। अगर ऐसा होता कि सनातन धर्म से नफरत करते तो हमारे देश में संविधान है, संविधान में देखिए भगवान राम लक्ष्मण सीता हनुमान का फोटो भी लगा हुआ है। क्यों भाई, क्या जरूरी था? जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे उस समय उसको हटा देते, नहीं लिखने देते, फोटो वहाँ पे नहीं लगने देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे फोटो लगा। वो देश का धरोहर है, संस्कृति है, ये बताया गया है। तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, चारों तरफ अपना आग घुमाइए, सच्चाई क्या उसे देखिए। जो कुछ इतिहासकार किताब छाप दिए हैं उसको मत पढ़िए। अब लोगों को समझिए इसका तात्व क्या है, इसमें कितनी झूठ है, कितनी सच्चाई है। कुछ लोग ऐसे हैं जितनी सारी खराब बातें होती है ना, जो कोई चंद भर लोग कुछ बोल देते उसी बात को पोस्ट कर देते हैं और उसी को असली चेहरा बना देते कि यही है एसटीएससी का सबसे बड़ा चेहरा, यही है इतिहासकार जो बाबा साहब के बारे में बताया था, समझ रहे? तो उन लोगों को फॉलो मत कीजिए, उन लोगों को मत देखिए जो इस तरह का बातें फैलाते हैं, सच्चाई को जानिए। हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे लोग होते हैं। हम कहाँ कहते हैं कि सनातन धर्म में सबका सब अच्छे, सनातन धर्म के आड़ में आके सनातन धर्म को बर्बाद करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हैं जो कि किसका कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, ऐसे मुझसे बोले जा रहे। तो दोस्तों मैं आप ये वीडियो बनाने के मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं भी बाबा साहब को बहुत पसंद करता हूं, उनको मैं आदर्श मानता हूं, लेकिन जब इस तरह का काम होता है, समाज को भड़काने का काम होता है, तो मुझे इस तरह का वीडियो बनाना पड़ता है। साथ बात करता हूं, सबूत के साथ बात करता हूं, बिना सबूत का मैं कोई बात नहीं करता हूं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना परिवार का ख्याल रखिए।